हेलो बच्चों, आज का अपना जो टॉपिक है, अभी लास्ट क्लास में अपन मॉर्फोलॉजी का डिस्कशन कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्म, कि एंजियोस्पर्म की कौन कौन सी फैमिलीज जो हमारे सिलेबस में है उनका अपन कुछ जानकारी लेंगे। अभी उससे पहले कुछ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है जिसके अंदर कौन कौन से सिंबल्स हम यूज करने वाले हैं उस फैमिलीज को लिखने में। फैमिली बहुत ईजी है, बोले तो अगर मॉर्फोलॉजी हमने ढंग से पढ़ ली है, अगर हमारे एक ही एग्जाम्पल याद है किसके अंदर कौन सी कंडीशन है, तो उन्हीं एग्जाम्पल का एग्रीगेट करके हमें उसकी फैमिली बनानी है और उसका फॉर्मूला बनाना है। तो हमारे एनसीईआरटी के अंदर टोटल चार फैमिली है, हमें चारों फैमिली पर एक्सक्लूसिवली उसी पे फोकस रखना है। इसके अलावा कुछ एक तो एक्स्ट्रा जो चीजें होगी वो मैं यहाँ पे तुम्हें बताऊंगा। चलिएगा, कुछ सिंबल्स जो हम यूज कर रहे हैं, वैसे साथ साथ में हम चीजों को, अगर हमने मॉर्फोलॉजी जब पढ़ी थी उसके साथ साथ सिंबल हम सब यूज कर चुके हैं, बट एक थ्रोली फटाफट इसे रिवीजन हो जाएगा, तो उनके साथ साथ अपने इनको करते जा रहे हैं। फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्म के अंदर सबसे पहले अगर मैंने लिखा है, जो भी फ्लोरल फॉर्मूला लिखेंगे उसके अंदर रिप्रेजेंट करेंगे सबसे पहले ब्रैक्टीएट। ब्रैक्टीएट के बारे में हम जान चुके हैं अच्छे से कि ब्रैक्टीएट क्या होता है, कि ब्रांच के साथ जहां फ्लावर लगा होगा, फ्लावर के बेस पे जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर, रूडिमेंट्री लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है बेटा, उसे क्या बोलते हैं? ब्रैक बोलते हैं। अगर पेडिसेल के ऊपर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगी तो उसे क्या बोलते हैं? ब्रैक्टियोल बोलते हैं। अगर ब्रैक प्रेजेंट है तो, अगर ब्रैक प्रेजेंट है तो फ्लावर ब्रैक्टीएट, एबसेंट है तो ई ब्रैक्टीएट, सिंपल लिखेंगे BR, नहीं है तो EBR। ये लिखना जरूरी नहीं है कि ब्रैक्ट है तो अपन BR लिख रहे हैं, अगर नहीं है तो EBR लिखना कोई जरूरी नहीं है। डायरेक्ट अगर आगे अपन जाके सिमेट्री को लिख सकते हैं। सिमेट्री की अगर बात करें तो दो टाइप की हो सकती है यहां पर, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक बोले तो रेडियल सिमेट्री, किसी भी डायरेक्शन में काटो इक्वल हाफ में टूट जाता है, कट जाता है, क्या कहलाएगा? एक्टिनोमॉर्फिक। अभी मैंने इनके साथ साथ वो एग्जांपल जो हमने पहले पढ़े थे वो भी ऐड किए हैं, तो एक बार भी उसका भी रिवीजन हो जाएगा क्योंकि हमारे फैमिली में ये चीजें काम आने वाली है। तो एक्टिनोमॉर्फिक जो सिमेट्री है वो किस किसके अंदर मिलेगी? लिलिएसी और सोलेनेसी। किस किसके अंदर है? लिलिएसी और सोलेनेसी, दोनों फैमिली हमारे सिलेबस में है, तो हमें याद रखनी है कि उनके अंदर लिलिएसी और सोलेनेसी में कैसी है एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री है। इसके अलावा भी हमने लिखे थे एग्जाम्पल, उन्हीं एग्जाम्पल में चिल्ली, धतूरा एंड मस्टर्ड। चिल्ली एंड धतूरा हमें पता है सोलेनेसी के मेंबर है, उनके अंदर सोलेनेसी के अंदर हमने देख लिया है क्या है एक्टिनोमॉर्फिक। एंड मस्टर्ड फैमिली जिसको अपन बोलते हैं मालवेशी, हमारे सिलेबस में नहीं है बट बहुत सारी चीजें हैं मालवेशी फैमिली की हमारे सिलेबस के अंदर, कुछ बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं इसलिए हम इसका जिक्र करेंगे। मस्टर्ड फैमिली मालवेशी बोलते हैं। तो मालवेशी, सोलेनेसी और लिलिएसी तीनों में क्या मिलेगी? एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री देखने को मिलेगी। जो हमारे सिलेबस में फैमिली है वो लिलिएसी और सोलेनेसी, चिल्ली, धतूरा और मस्टर्ड, तीनों एग्जांपल अपन को याद भी रखने हैं। एग्जाम में एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉर्फोलॉजी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम एग्जांपल में ही आनी है। चलिएगा, नेक्स्ट है जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक का मतलब क्या? कि जिसको केवल एक ही प्लेन के अंदर अपन डिवाइड कर सकते हैं दो इक्वल पार्ट के अंदर। एग्जाम्पल फावेसी। फावेसी तो अच्छे से तुम्हें पता है लेग्यूमिनेशिया, जिसको अपन फावेसी पढ़ेंगे। फावेसी के अंदर हमने देखा था कि जो पेटल का अरेंजमेंट है वो सबसे अलग मिला था, वेक्सिलरी टाइप का एस्टिवेशन मिला था। तो वेक्सिलरी टाइप के एस्टिवेशन में एक यही प्लेन था जिससे अपन कट कर सकते थे, बाकी किसी प्लेन से दो इक्वल हाफ में उसे कन्वर्ट नहीं कर सकते थे। तो फावेसी इसका बेस्ट है जो कि हमारे सिलेबस के अंदर है। तो क्या मिलेगी? जाइगोमॉर्फिक। और इसके एग्जाम्पल केसिया और गुलमोहर। केसिया और गुलमोहर दोनों एग्जाम्पल लेग्यूमिनेसी फावेसी के ही मेंबर है, केसिया और गुलमोहर। याद करने के लिए ट्रिक क्या बताई थी? एक आदमी का नाम है गुलमोहर सिंह। क्या नाम है? गुलमोहर सिंह। और बीच में मांग कार्ड निकाल रखिये, मांग का मतलब बीच में, हेयर स्टाइल क्या है? बीच में तेरे नाम। तो बोले तो उसको उस बीच में से कट कर सकते हैं, बाकी किसी भी पार्ट से कट करेंगे इक्वल हाफ में कन्वर्ट नहीं कर सकते। गुलमोहर क्या है? आदमी है। तो हमारी क्या है? हमें इसी प्लेन से हम इक्वल हाफ में चीजों को क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। तो बोले तो किस प्रकार की सिमेट्री है? जाइगोमॉर्फिक है। गुलमोहर सिंह के केस बीच में है, तेरे नाम कैसे है भाई? तेरे नाम। तो इसको इसी पार्ट्स में हम कट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, फावेसी, लेग्यूमिनेसी, केसिया, गुलमोहर में जाइगोमॉर्फिक सिंबल ये लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये सिंबल भी हो सकता है और ऐसा सिंबल भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिएगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, कॉमन सी बात है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसे अगर मेल फ्लावर है तो उसे क्या बोलेंगे? स्टैमिनेट बोलेंगे, मेल का सिंबल। यूनिसेक्सुअल अगर फीमेल फ्लावर है तो पिस्टिलेट बोलेंगे। अगर ब्रैक्टियोल, जो आपने लिखा था ना कि पेडिसेल के ऊपर लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसे क्या बोलेंगे? ब्रैक्टियोल। अगर ब्रैक्टियोल प्रेजेंट है तो उसे, या हम उसे एपिकैलिक्स भी बोलते हैं, या बोले तो अपन ब्रैक्टियोल भी बोलते हैं। इसे रिप्रेजेंट कर देंगे अपन एपी और एपिकैलिक्स। एपी और एपिकैलिक्स मालवेसी के अंदर ये प्रेजेंट होता है, इतना ज्यादा कुछ खास नहीं है। मालवेसी फैमिली का थोड़ा अपन बेसिक चीजें पढ़ेंगे तो मैं इस चीज को भी बता दूंगा, वहां एपिकैलिक्स मिलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट कैलिक्स हमें पता है सिंबल के से रिप्रेजेंट करते हैं, सी से नहीं। अगर कैलिक्स हमें पता है फ्यूफरी है तो पॉलीसेफेलस, फ्यूज्ड है तो
गैमोसेपेलस कोरोला फ्री है तो पॉलीपेटलस और फ्यूज है तो गैमोपेटलस। क्लियर है ना। चलिएगा एक चीज ध्यान रखना है अपन को कि दो फैमिली है बेटा डाइकोटिलेडोनी, अगर अपन डाइकोट की बात करें और मोनोकोट की बात करें, फैमिली नहीं सॉरी डाइकोट और मोनोकोट की, डाइकोट की अपने सिलेबस के अंदर तीन फैमिली दी हुई है, एक फैमिली मोनोकोट की दी जिसे लिलियेसी अपन पढ़ेंगे, वो कौन सी है मोनोकोट की। हमें दो चीज याद रखनी है, लिलियेसी और पोएसी, या जैसे ग्रेमिनी या ग्रास फैमिली जिसे अपन कहते हैं। डाइकोट के अंदर कंडीशन जनरली पेंटामेरस पेंटामेरस और टेट्रामेरस, पेंटामेरस और टेट्रामेरस जनरली देखने को मिलती है। पेंटामेरस और टेट्रामेरस का मतलब क्या हुआ कि कैलिक्स और कोरोला के जो वर्ण होंगे वो चार या पांच के ग्रुप में होंगे, चार या पांच के ग्रुप में। ऐसा फ्लावर है तो हम बता देंगे किसका है, डाइकोट का है। तो अपने सिलेबस के अंदर अगर टेट्रामेरस कंडीशन हम देखेंगे किसके अंदर, ब्रेसिकेसी क्रूसीफेरी फैमिली के अंदर देखेंगे, ब्रेसिकेसी और जिसको अपन क्रूसीफेरी भी बोलते हैं उस फैमिली के अंदर टेट्रामेरस कंडीशन मिलेगी। क्लियर है ना। सोलेनेसी के अंदर हम देखेंगे पेंटामेरस कंडीशन देखने को हमको मिलेगी। तो पेंटामेरस या टेट्रामेरस डाइकोट की फैमिली के अंदर कंडीशन मिलती है, बोले तो जो कैलिक्स कोरोला के नंबर है जो वर्ल है उनकी बात हो रही है। अगर हम बात करें मोनोकोट की, मोनोकोट के अंदर कंडीशन मिलेगी ट्राइमेरस कंडीशन, एक ही फैमिली याद रखना लिलियेसी, और अपन को पता है ग्रेमिनी पोएसी उनके अंदर भी कुछ ऐसी कंडीशन मिलेगी ट्राइमेरस कंडीशन। नेक्स्ट है पेरियंथ, पेरियंथ वो होता है जिसके अंदर कैलिक्स और कोरोला के अंदर क्लियरली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, उसे हम पेरियंथ या बोले तो टेपल बोलते हैं। अगर वो फ्री है तो पॉलीफिलस या पॉलीटेपलस, और फ्यूज है तो गैमोटेपलस या गैमोफिलस, गैमोटेपलस या गैमोफिलस। नेक्स्ट है एंड्रोशियम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, एंड्रोशियम फ्री है तो पॉलीएंड्रस, फ्यूज है तो कोहिजन अपन बोल सकते हैं इसे। कोहिजन मतलब सेम सेम चीज का आपस में फ्यूज होना, कोहिजन और अलग अलग चीज का फ्यूज होना, तो सेम टाइप का फ्यूज होना कोहेजन, अलग अलग का होना एडेजन। गाइनोशियम, अगर गाइनोशियम फ्री है तो हमें पता है एपोकार्पस, अगर फ्यूज है तो सिन कार्पस। ये तो बेसिक सिंबल है जो साथ साथ अपन पढ़ते गए हैं, फटाफट स्पीड से रखना है चीजों को, जल्दी से ज्यादा चीजें कवर करें। नेक्स्ट अगर बात करें टाइप ऑफ ओवरी, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, ये फैमिली में नहीं वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों की तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे शानदार हमेशा आता है, एग्जांपल का क्वेश्चन आता है, ध्यान से। सुपीरियर ओवरी कैसे है इस चीज को हम सब समझ चुके हैं कि ओवरी कैसे लोकेटेड है, ओवरी सुपीरियर है, तो बाकी के सारे अगर फ्लोरल पार्ट देखेंगे वो सारे के सारे ओवरी के बेस से निकल रहे हैं, ओवरी सबसे ऊपर, उसके बेस से सारे फ्लावर के पार्ट निकल रहे हैं, तो फ्लावर कैसा है हाइपोगाइनस, ध्यान रखिएगा ओवरी सुपीरियर फ्लावर हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस फ्लोरल अदर फ्लोरल पार्ट गाइनस बोले तो गाइनोशियम के नीचे से निकल रहे हैं, तो हाइपोगाइनस है ओवरी सुपीरियर। कैसे देखो, ये अगर ओवरी है, ये अगर ओवरी है, बाकी सारे पार्ट अगर बात करें एंड्रोशियम कोरोला कैलिक्स सब इसके नीचे से निकल रहे हैं, तो क्या होगा वो हाइपोगाइनस फ्लावर एंड ओवरी सुपीरियर। और सुपीरियर ओवरी को लिखने का तरीका है जी लिख के नीचे लाइन लगानी है, जी लिख के नीचे लाइन, ये लाइन नीचे रिप्रेजेंट क्या कर रही है हमें, ये वाला लाइन हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि जो अदर फ्लोरल पार्ट होंगे वो गाइनोशियम के नीचे से जा रहे हैं, तो फ्लावर हाइपोगाइनस एंड ओवरी सुपीरियर। ध्यान रखना एग्जांपल, हमारी एनसीईआरटी बहुत सुपीरियर है, जल्दी से समझ में नहीं आती, क्या आती है क्या, बहुत कुछ एक एक लाइन में बहुत कुछ कह जाती है, तो सुपीरियर है हमारी एनसीईआरटी की फैमिली, सबके सब हमको याद रखना है सुपीरियर ओवरी मिलेगी हमारी एनसीईआरटी की फैमिली में, सुपीरियर ओवरी मिलेगी। जैसे बात करें फॉर्मेसी फैमिली है, सोलेनेसी लिलियेसी और क्रूसीफेरी, चार ही फैमिली है एनसीईआरटी में, चारों के अंदर याद रखना है सुपीरियर ओवरी मिलेगी, फॉर्मेसी सोलेनेसी लिलियेसी और क्रूसीफेरी। अरे क्लियर है ना, ध्यान रखना है चारों के चारों एनसीईआरटी की जो फैमिली है वो सुपीरियर है, एनसीईआरटी सुपीरियर है, इसलिए फैमिली सुपीरियर है फ्लावर हाइपोगाइनस, याद रहेगा। एग्जांपल अगर दे एनसीईआरटी के अंदर अगर एग्जांपल देखेंगे तो हाँ मस्टर्ड दिया है, मस्टर्ड मालवेसी का, चाइना रोज, ब्रिंजल एंड मैंगो, ये एग्जांपल याद रखना जरूरी है। हमें पता एनसीईआरटी के सारे सुपीरियर ओवरी हाइपोगाइनस फ्लावर है, इसके अलावा एग्जांपल हमें लर्न करने हैं मस्टर्ड है, चाइना रोज है, ब्रिंजल है और मैंगो। अगर बात करें ब्रिंजल मैंगो और मस्टर्ड एंड चाइना रोज, ढंग से अच्छे से ध्यान रखना है, क्वेश्चन आता है इसका। नेक्स्ट अगर बात करें इनफीरियर ओवरी, इनफीरियर ओवरी का मतलब क्या हो गया, ओवरी नीचे अदर फ्लोरल पार्ट ऊपर है, तो उस कंडीशन में फ्लावर क्या होगा एपिगाइनस, और रिप्रेजेंट करेंगे गाइनोशियम जी के ऊपर सिंबल, बोले तो ओवरी नीचे है अदर फ्लोरल पार्ट ऊपर से इमर्ज हो रहे हैं, कंडीशन कहलाएगी क्या इनफीरियर ओवरी, बोले तो ओवरी नीचे होगी है तो इनफीरियर, अदर फ्लोरल पार्ट ऊपर है तो कंडीशन एपिगाइनस फ्लावर, तो फ्लावर एपिगाइनस ओवरी इनफीरियर। चलिएगा एग्जांपल है रूबेसी कंपोजिटी और कुकुरबिटेसी, याद करने का एक तरीका याद रखना रूबेसी रूबी, कंपोजिटी कंपो, कुकुरबिटेसी और इनफीरियर
ध्यान से, रूबी कंपो फील इंफीरियर ड्यू टू कुकुरबिटेसी, रूबी कंपो फील इंफीरियर ड्यू टू कुकुरबिटेसी, कि कुकुरबिटेसी के अंदर बहुत सारी ककड़ी सलाद बहुत सारे आते हैं, लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं इनको, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जब मर्जी आए भाग के खीरे ले आओ, ककड़ी ले आओ, तरोई ले आओ, तरबूज ले आओ, खरबूजा ले आओ, अरे करेला ले आओ, सब किसके अंदर आए, कुकुरबिटेसी। तो रूबीएसी कंपोजिटी सोचती है, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है, तो रूबीएसी रूबी कंपो फील इनफीरियर ड्यू टू कंपोजिटी, अरे याद रहेगा, रूबी कंपो और फील इनफीरियर ड्यू टू कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी की वजह से रूबी और कंपो को इनफीरियर फील होता है। अगर एग्जाम्पल शानदार, एक एग्जाम्पल ट्रिक से इजीली याद रह जाएगा, हमें पता बेटा बताइएगा, एप्पल पियर पॉम पॉम पढ़ा था क्या, एप्पल पियर पॉम पॉम बोले तो फ्रूट था कि नहीं था, तो अगर हमने बताया था कि एप्पल के अंदर क्या होगा, थैलेमस ओवरी को पूरा कवर कर लेता है, ओवरी बन जाती है कैसी, इनफीरियर बन जाती है, तो थैलेमस आगे एडिबल पार्ट बनाता है, तो एप्पल पियर दो एग्जाम्पल यहां पे याद हो जाएंगे, एप्पल पियर गवावा खाने वाले सारे, गवावा खाओ एप्पल खाओ पियर खाओ, गवावा खाओ एप्पल खाओ पियर खाओ, और रेड फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, सनफ्लावर लो एप्पल खाओ पियर खाओ और गवावा खाओ, सनफ्लावर सूरजमुखी का फूल लो, क्या खाना है, एप्पल पियर गवावा, कैसा, इनफीरियर, रूबी कंपो फील इनफीरियर ड्यू टू कुकुरबिटेसी। चलिएगा, ओवरी हाफ इनफीरियर, जैसे पहली गाइनस कंडीशन बोले तो पूरा कवर नहीं किया, आधी कंडीशन में जाके आधी सुपीरियर आधी इनफीरियर, आधी सुपीरियर आधी इनफीरियर, आधी इनफीरियर आधी सुपीरियर, तो क्या होगा, पहली गाइनस और रिप्रेजेंट करेंगे जी के बीच में एक लाइन लगा के, रोज पलम पीच, रोज पलम पीच इंपॉर्टेंट है, रोज पलम पीच, रोज पी पी, रोज थोड़ी थोड़ी पी, रोज थोड़ी थोड़ी पी पी, चलो इसकी ट्रिक अपन क्या याद रखेंगे, रोज पी थोड़ी पी, रोज पी थोड़ी पी, रोज पी थोड़ी पी, रोज परम पी, रोज पी थोड़ी पी, पीना है थोड़ी पीना है, किस चीज को वो देख सकते हो, कोई चाय का एडिक्टेड है, किसी और चीज का एडिक्टेड है, रोज पीना है बट थोड़ी थोड़ी पिए जा, बट थोड़ी थोड़ी, रोज पी थोड़ी थोड़ी, चलिएगा, रोज पलम पीस, रोज पलम पीस, एग्जाम्पल याद हो चुके हैं, वहां पर सुपीरियर एनसीआरटी सुपीरियर है, फाबेसी लिलेसी सोलेनेसी क्रूसीफेरी सारी, और एग्जाम्पल मस्टर्ड चाइना रोज ब्रिंजल और मैंगो, इनफीरियर रूबी कंपो फील इनफीरियर ड्यू टू कुकुरबिटेसी, क्या क्या खाना है, सुजुकी का फ्लावर लो, एप्पल पियर गुआवा, याद रहेगा, सुनिए, ओवरी हाफ इनफीरियर हाफ सुपीरियर, या बोले तो पहली गाइनस कंडीशन किसमें मिलेगी, किसमें, रोज पी थोड़ी थोड़ी पी, रोज पलम पीच, चलिएगा, नेक्स्ट अगर कंडीशन देखें, एडिशन की बात करें, या बोले तो एडिशन कोहेजन, कोहेजन सेम का फ्यूज होना, एडिशन अलग अलग का फ्यूज होना, एडिशन अगर बात करें तो अगर पेरियंथ फ्यूज हो जाता है एंडोशियम के साथ, पेरियंथ अगर फ्यूज हो जाता है किसके साथ, एंडोशियम के साथ, पेरियंथ क्या बताया था, जब कैलिक्स और कोरोला में डिफरेंशिएट नहीं होता, तो पेरियंथ किसके साथ, एंडोशियम के साथ फ्यूज हो जाए, कंडीशन कहलाती है एपिटेपलस, क्योंकि पी किसके लिए रिप्रेजेंट किया, टेपल या फिलस, एपिटेपलस एपिफिलस, एपिटेपलस एपिफिलस, कैसे, ध्यान से, ये है टेपल, बोले तो कैलिक्स कोरोला डिफरेंशिएटेड नहीं है, ये है एंड्रोशियम, तो एंड्रोशियम और टेपल आपस में फ्यूज हो गए, तो पहले अपन बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, तो पहले टेपल आएगा, टेपल को रिप्रेजेंट करेंगे पी से, और फिर एंड्रोशियम आएगा, तो पी ए आपस में फ्यूज्ड है, पी ए आपस में जुड़े हुए फ्यूज्ड है, पी ए आपस में जुड़े हुए फ्यूज्ड है, ए की फैमिली है लिलिएसी, बस दूसरी भी याद रखना है, पोएसी या ग्रेमिनी के अंदर ऐसी कंडीशन मिल जाएगी, हमें याद रखना है लिलिएसी, कौन सी लिलिएसी, एनसीईआरटी में ए की है लिलिएसी, लिली लिलिएसी, क्या मिलेगा, क्योंकि पेरियंथ किसमें मिलेगा, मोनोकोट के अंदर पेरियंथ मिलेगा, डाइकोट में नहीं है पेरियंथ, तो याद रखना है लिलिएसी ए की है, उसी में पेरियंथ है और उसका फ्यूजन है पा, चलिएगा, एपी पेटलस, बोले तो एपिपेटलस का मतलब क्या हुआ, पेटल है फिर एंडोशियम है, एंडोशियम पेटल आपस में फ्यूज हो गए हैं, तो अपने क्या लिखा, एपिपेटलस कंडीशन को इस प्रकार से फ्यूज कर दिया, ध्यान रखिएगा पहले ए बाद में सी लिखना गलत होगा, पहले ए बाद में सी लिखना गलत होगा, क्योंकि हमें फ्लावर बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, तो पहले कोरोला आएगा फिर एंडोशियम आएगा, तो कुछ ऐसी कंडीशन, तो एपिपेटलस कंडीशन किसमें, मालवेसी सोलेनेसी रूबेसी और कंपोजिटी, क्लियर है, मालवेसी सोलेनेसी रूबेसी और कंपोजिटी, और इन सभी के फ्लावर कैसे हैं, पेंटामेरस, तो बोले कौन सी फैमिली है, डाइकोट की फैमिली है, ये थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, रूबी कंपो सोले मा,
रूबी कंपो सोलेमा, रूबी कंपो सोलेमा, वो देख लेना बेटा कैसे हाथ करोगे तुम। रूबी कंपो सोलेमा, रूबी कंपो कह रही है कि माँ सोजा, ज्यादा दुखी मत हो। रूबी कंपो सोलेमा कैसा है? पेंटा मेरस है, चलिएगा। नेक्स्ट अगर बात करें गाइनेंड्रस, गाइनेंड्रस बोले तो एंड्रोसियम और गाइनोसियम आपस में फ्यूज है, कंडीशन क्या लाएगी? गाइनेंड्रस किसमें मिलेगी? कैलोट्रोपिस, इतना ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, कंडीशन है गाइनेंड्रस। क्लियर है? ये तो फ्लावर जो फ्लोरल फॉर्मूला पर लिखेंगे उन चीज के बारे में हो गया। अब आ जाता है एस्टिवेशन, इंपॉर्टेंट है एस्टिवेशन, क्योंकि जो फ्लोरल फ्लोर जो अपने फ्लोरल फॉर्मूला लिखने वाले हैं उसके अंदर हम एस्टिवेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट वाले मैंने लिख दिए यहाँ पर, ध्यान से वापिस, जैसे ये ओवर इंपॉर्टेंट है उसी प्रकार एस्टिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। एस्टिवेशन देखो, हम कैलिक्स का बता सकते हैं, कोरोला के हिसाब से बता सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमें किसका बताना है? किसका बताना है? कोरोला का। इसका बोले तो पेटल्स का अरेंजमेंट बताना है बडिंग स्टेज के अंदर, कि जो फ्लावर बड स्टेज में है, कट करो, देखो ये फ्लावर है बडिंग स्टेज में, कट करो और देखो कैसा दिख रहा है, वो कंडीशन है क्या? एस्टिवेशन, खिलने के बाद नहीं, किसमें? बडिंग स्टेज में कट करके देखना है। तो एस्टिवेशन सबसे पहले वॉलवेट, वेलवेट बोले तो कंटिन्यूस, कंटिन्यूस एक दूसरे को टच करते हुए, एक दूसरे को टच करते हुए अरेंजमेंट कैसा होगा? वॉलवेट। लिलियसी सोलेनेसी क्रूसीफेरी, लिलियसी सोलेनेसी और क्रूसीफेरी, लिलियसी सोलेनेसी क्रूसीफेरी तीनों अपने एनसीईआरटी में है, तीनों अपनी एनसीईआरटी में है। फाबिसी तुम्हें याद है, चौथी। फाबिसी के अंदर कैसा एस्टिवेशन? सबसे बड़ा, फिर दो जो आपस में जुड़े हुए हैं, वेक्सिलरी एस्टिवेशन, स्टैंडर्ड विंग और किल, स्टैंडर्ड विंग किल, स्टैंडर्ड विंग किल, वेक्सिलरी फाबिसी के अंदर। वो तो सबसे अलग है, मटर का पौधा, मेंडल ने भी किया था एक्सपेरिमेंट, मतलब गजब की चीज थी, तभी मेंडल ने किया। तो गजब का एस्टिवेशन है, सबसे बड़ा एस्टिवेशन दिखेगा, लोब स्टैंडर्ड है, फिर कील है, और फिर अपने सॉरी विंग और फिर कील है। तो वेक्सिलरी एस्टिवेशन किसमें मिलेगा? अपने फाबिसी फैमिली के अंदर मिलेगा। और एस्टिवेशन वॉलवेट में क्या? एक के बाद बाकी सब एनसीईआरटी में वॉलवेट याद रखना है। देखना लिली बेटा सोले वॉलवेट की कुर्सी पर, देखो ये इस लड़की का नाम है लिली, क्या नाम है? शादी में गए हुए थे, परेशान हो गए हैं, उसके पापा कह रहे बेटी थक गई है, अब क्या करो, सोले आराम से। कहां सोएगी? कोई बेड तो किसी ने लगा नहीं रखे है, कुर्सी पड़ी है वॉलवेट का, वॉलवेट समझते हो ना कि जो गद्दा लगा हुआ है, वो कंडीशन। बोले तो लिली बेटा सोले वॉलवेट की कुर्सी पर, कुर्सी फेरी, लिली बेटा सोले वॉलवेट की कुर्सी पर, लिली बेटा सोले वॉलवेट की कुर्सी पर, ये हो गया वॉलवेट एनसीईआरटी में वॉलवेट, फाबिसी को छोड़कर। चलिएगा एक के बाद एक, एक के बाद एक टच करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट अगर बात करें ट्विस्टेड, ट्विस्टेड का मतलब एक ऊपर एक नीचे, एक पार्ट देखो, अगर एक पार्ट एक एंड ऊपर, फिर एक नीचे एक एंड ऊपर, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ट्विस्टेड ट्विस्टेड ट्विस्टेड, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ये समझा चुका हूं, ज्यादा टाइम नहीं लगा रहे अपन, ठीक है? चलिएगा एग्जांपल ट्विस्टेड का, एग्जांपल क्या याद रखना है? याद रखिएगा एक लेडी है, लेडी फिंगर, चाइना रोज और कॉटन, लेडी फिंगर, चाइना रोज और कॉटन के अंदर क्या मिलेगा? ट्विस्टेड, याद रखना है। चाइना के अंदर एक लेडी, कहां? चाइना में एक लेडी, कॉटन की साड़ी, साड़ी देखो जबरदार है ना, बहुत महंगी साड़ी है, एक लेडी चाइना में कॉटन की साड़ी पहन के ट्विस्टेड डांस कर रही है। कैसा? ट्विस्टेड, समझ गए ना? देखो ट्विस्टेड ट्विस्टेड डांस कर रही है, एक लेडी चाइना में कॉटन साड़ी पहनकर ट्विस्टेड डांस कर रही है, लेडी चाइना में कॉटन की साड़ी पहनकर ट्विस्टेड डांस कर रही है। तो ट्विस्टेड किसमें मिलेगा? याद रहेगा, चलेगा वेक्सिलरी फाबिसी, सिंपल। इसके अंदर बड़े वाला सबसे ऊपर स्टैंडर्ड, फिर विंग, फिर कील, स्टैंडर्ड को बोलते हैं वेक्सिलम, विंग एली करीना, वेक्सिलम एली करीना, वेक्सिमम वेक्सिलम एली और करीना किसमें मिलेगा? ये फाबिसी के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट तीनों लिख दिए सर, इसके बाद इम्ब्रिकेट भी था, यस इम्ब्रिकेट भी था, इम्ब्रिकेट कैसिया और गुलमोहर के अंदर, एक कंप्लीट अंदर एक कंप्लीट बाहर, बाकी सब अंदर बाहर, एक कंप्लीट अंदर एक कंप्लीट बाहर, बाकी सब अंदर बाहर, क्या हो जाएगा? इम्ब्रिकेट कैसिया और गुलमोहर में। एक जो एक्स्ट्रा हमको याद रखना हो, याद रख सकते हो, वैसे पूछेगा नहीं, क्विन क्यूंशियल जो हमने लिखा है नोट्स के अंदर, क्विन क्यूंशियल, उसमें क्या? दो कंप्लीट अंदर, दो कंप्लीट बाहर, एक अंदर बाहर, दो कंप्लीट अंदर, दो कंप्लीट बाहर, एक अंदर बाहर, एस्टिवेशन। देखो ये टॉपिक हम पढ़ चुके थे, वापस अपने कवर कर लिया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें फैमिली के अंदर जो काम में लेंगे वो हम डिस्कस कर ली है। अभी नेक्स्ट अपनी फैमिली जो होगी क्रूसीफेरी।